श्री राम कौन नहीं जानता है। जो प्रभु श्री राम के बारे में ऐसा विवादित बयान देगा तो प्रभु श्री राम खुद ही उनको खत्म कर देंगे, वहीं पे शून्य कर देंगे। और रही बात है कि अब प्रभु श्री राम के बारे में मैं बोलूं, कोई तो मिल नहीं रहे हैं, तो विपक्ष में बौखलाहट है, तो वो कुछ न कुछ अपनी भड़ास तो निकालेगी ना। मेरी बाबा के बुलडोजर तो भी चलता बहुत सही जगह पे चलता है, ऐसा में कोई दो राय शंका ही नहीं है। 100 नहीं 200% 80 में 80 सीटें भाजपा जीत रही है, उसमें कोई विपक्ष, क्योंकि प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा है, तो तमाम तैयारियां हैं, तमाम चीज़ें हैं। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष भी कह रही है कि बीजेपी 2024 के चुनाव में राम मंदिर के मुद्दा पर चुनाव लड़ने जा रही है, और तमाम विपक्ष से लेके पक्ष में तमाम वो तैयारियां चल रही हैं। लेकिन हमारे साथ तो इस समय बीजेपी महिला मोर्चा की गोरखपुर जिलाध्यक्ष चंचला शुक्ला जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। और 22 तारीख का इंतजार क्या लग रहा है बीजेपी के लिए? सबसे पहले तो द अखबार चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज ये मुझे मौका मिला है बोलने के लिए। 22 जनवरी जो 500 साल वर्षों से पेंडिंग था, हमारे राम को विराजमान किया जाएगा 22 जनवरी को, प्रभु श्री राम को, उनको पुरुषोत्तम श्री राम भी कहते हैं। और उसकी तैयारियां तो इतनी ज़ोर शोर से चल रही हैं, समझे कि एक ऐतिहासिक तैयारियां हो रही हैं श्री राम को विराजमान करने के लिए। वो जगह जगह से सामग्रियाँ अभी उपलब्ध कराई जा रही हैं, और अभी मैं सुनी हूँ कि जनकपुर से कई कुंटल मिठाइयाँ आई हैं। ये सारे राम को विराजमान के, राम की स्थापना करने के लिए पहले से ही तैयारियाँ शुरू हैं। मतलब यहाँ तक कि हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व में भी इस राम की स्थापना 22 जनवरी को बहुत लोगों के आने की संभावना है। और हम लोग तो अभी इस समय हम लोग का काम है, हम लोग अयोध्या से अक्षत आया है, हम लोग घर घर धूम धड़ाके आजे बाजे के साथ हम लोग घर घर वो न्योता दे रहे हैं, निमंत्रण पत्र दे रहे हैं, और ऐसी राम की तैयारी चल रही है। और 2024 के चुनाव पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो मैडम 2024 के चुनाव में प्रभाव पड़ेगा, एक यहाँ सवाल खड़ा हुआ था कि अभी बीते दिनों ही एनसीपी विधायक जितेंद्र आह्वाड ने जिस तरीके से प्रभु श्री राम को मांसाहार बताया था, उसको लेकर बीजेपी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आपकी तरफ से जा रही हैं? देखिए अब क्या है यार, जो उन्होंने जो मतलब अपना बयान दिया था वो तो अब उसके बारे में मैं तो नहीं कुछ कह सकती हूँ, लेकिन प्रभु श्री राम कौन नहीं जानता है। जो प्रभु श्री राम के बारे में ऐसा विवादित बयान देगा तो प्रभु श्री राम खुद ही उनको खत्म कर देंगे, वहीं पे शून्य कर देंगे। और रही बात है कि अब प्रभु श्री राम के बारे में मैं बोलूं, कोई शब्द ही नहीं है कि जन जन जानता है कि प्रभु श्री राम क्या चीज़ हैं, उस पर कोई उनकी विवादित बयान से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश एक वो अहम राज्य रखता है, 80 की 80 सीटें भाजपा दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष के जो समाजवादी पार्टी है वो कह रही है कि हम भाजपा का खाता नहीं खुलने देंगे। एक बड़ा सवाल है कि राम मंदिर के मुद्दे से कहीं ना कहीं उत्तर भारत के साथ साथ क्या दक्षिण भारत भी बीजेपी प्रभावित कर पाएगी, और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें बीजेपी का अनुमान लगा रही है? उत्तर प्रदेश में 30 बार तो रिकॉर्ड कायम होगा, 80 में तो 80 सीटें आएंगी। और विपक्ष जो कह रहा है कि हम होने नहीं देंगे, तो समय आएगा तो सब लोग देख लेंगे, इसमें कोई दो राय शंका ही नहीं है। 100 नहीं 200% 80 में 80 सीटें भाजपा जीत रही है, उसमें कोई विपक्ष का चांस नहीं है। और एक बड़ा सवाल है मैडम, जिस तरीके से विपक्ष कहता है कि माफियाओं पर बुलडोजर चलता है, कहीं उन पर भी बुलडोजर नहीं चलता जो शायद किसी माफिया के कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन इसमें क्या बीजेपी का क्या रहता है कि प्लान की क्या सिर्फ माफियाओं पर बाबा का बुलडोजर चले, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नहीं नहीं ये बुलडोजर तो उन पर भी चलता है जो कोई गुनाहगार नहीं होते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखिए विपक्ष कोई मुद्दा चाहिए तो विपक्ष को मुद्दे मिल नहीं रहे हैं, तो विपक्ष में बौखलाहट है, तो कुछ न कुछ अपनी भड़ास तो निकालेगी ना। मेरी बाबा के बुलडोजर तो भी चलता है बहुत सही जगह पर चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जिस तरीके से बताया कि 22 जनवरी के बाद जिस तरीके से आगामी चुनाव है तो बीजेपी इसको किस नज़रिए से देखती है।